एवरीवन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कारप्लस इक्वेशन के बारे में कि कारप्लस इक्वेशन क्या होती है अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो ये शॉर्ट नोट ही पूछते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार प्लस इक्वेशन फोर मार्क्स के अंदर या फिर एट मार्क्स के अंदर तो इसके अंदर क्या होगा कार प्लस इक्वेशन सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये जनरेट कहाँ से हुई है कार प्लस इक्वेशन तो कारपलस इक्वेशन कहाँ से जनरेट हुई है ये जनरेट होती है कपलिंग कांस्टेंट से कहाँ से जन इसका जो जनरेशन होता है जनरेशन ऑफ जनरेशन ऑफ कारप्लस इक्वेशन जनरेशन ऑफ कारप्लस इक्वेशन इज़ हैविंग फ्रॉम इज़ हैविंग फ्रॉम कपलिंग कांस्टेंट फ्रॉम कपलिंग कांस्टेंट कपलिंग कांस्टेंट कि प्लस इक्वेशन का जो जनरेशन है वो कहाँ से होता है कपलिंग कांस्टेंट से होता है और कपलिंग कांस्टेंट जो हमें वो अच्छे से पता होता है कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है दो स्पाइक्स के बीच का डिफरेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं स्पाइक्स के बीच का डिफरेंस जैसे कि मेरे पास ये है ये मेरे पास कोई ट्रिपलेट का सिग्नल है तो इन दो स्पाइक्स ये वाली स्पाइक और ये वाली स्पाइक इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ये क्या कहलाता है यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट, सो जो ये कपलिंग कांस्टेंट होता है यहाँ पे जो कपलिंग कांस्टेंट होता है ये दो तरीके का पाया जाता है एक तो कपलिंग कॉन्स्टेंट होता है शॉर्ट रेंज कपलिंग एक तो होता है शॉर्ट रेंज कपलिंग और एक हमारे पास होती है लॉन्ग रेंज कपलिंग लॉन्ग रेंज कपलिंग जो शॉर्ट रेंज कपलिंग होती है यानी कि उसके अंदर हम टू जे थ्री जे जैसी कपलिंग्स आती है लॉन्ग रेंज कपलिंग के अंदर जैसे फोर जे फाइव जे इस तरीके की कपलिंग आती है ठीक है शॉर्ट रेंज कपलिंग के अंदर कंसेप्ट आता है कार प्लस इक्वेशन का कार प्लस इक्वेशन का और लॉन्ग रेंज कपलिंग के अंदर जो कंसेप्ट आता है वो आता है मैग्नेटिक इक्वी का मैग्नेटिक इक्वी का अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो इन्हीं चीज़ों को हम क्या करेंगे वर्डिंग के अंदर लिखते चलेंगे कि कार प्लस इक्वेशन का जनरेशन कहाँ से होता है कपलिंग कांस्टेंट से होता है कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है दो स्पाइक के बीच का डिफरेंस होता है कपलिंग कांस्टेंट दो तरीके का होता है शॉर्ट रेंज कपलिंग होती है और लॉन्ग रेंज कपलिंग होती है शॉर्ट रेंज के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कार प्लस इक्वेशन को यूज मतलब कार कार प्लस इक्वेशन को पढ़ते हैं सो अब हम बात करते हैं अब हम किसकी बात करेंगे कार प्लस इक्वेशन की तो कार प्लस इक्वेशन क्या होती है कार प्लस इक्वेशन के अंदर है ना हम क्या करते हैं जे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं क्योंकि कपलिंग कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जे से कपलिंग कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जे से तो कार्पस इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि हम कपलिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और किन सिस्टम के अंदर करते हैं जहाँ पे रोटेशन जो होता है ना रोटेशन जो होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है यानी कि कार्पस इक्वेशन उन मोलिक्यूल्स के ऊपर एप्लीकेबल है जिनका क्या होगा रोटेशन जो है ना वो रेस्ट्रिक्टेड होगा ठीक है तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड किस में हो सकता है तो कार प्लस इक्वेशन दो के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं या तो हम कोई भी क्या ले ले एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ले ले या फिर हम क्या ले ले कोई भी साइकिलिक कंपाउंड ले ले साइक्लिक कंपाउंड्स ले ले क्योंकि देखो एस पी टू हाइब्रिड कार्बन के अंदर क्या होता है डबल बोंड प्रेजेंट होता है कार्बन डबल बोंड कार्बन हाइड्रोजन 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 क्लोरीन यहाँ पे पे क्या है डबल बोन्ड प्रेजेंट है डबल बोन्ड प्रेजेंट होने की वजह से इसका रोटेशन नहीं हो सकता इसका रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से हम क्या कर सकते इसमें कारप्लस इक्वेशन का यूज होगा उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड जैसे मैंने साइक्लिक कंपाउंड ये ले लिया तो इसके अंदर भी क्या है रोटेशन क्या होगा रेस्ट्रिक्टेड होगा तो हम मेनली क्या करते हैं कार्बलस इक्वेशन कपलिंग कांस्टेंट से अराइज होती है शॉर्ट रेंज कपलिंग होती है इसके अंदर क्या होता है हम कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर फाइंड आउट करते हैं जिनका रोटेशन क्या होता है रेस्ट्रिक्टेड होता है मतलब जो रोटेशन uh, नहीं कर सकते फिर हमने यहाँ पर इसका एक एग्ज़ाम्पल सेट किया ठीक है अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम जे की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कारप्लस इक्वेशन का यूज करके तो कारप्लस इक्वेशन के अंदर क्या होता है डाई एंगल्स होते हैं इन फाइंडिंग इन फाइंडिंग कपलिंग कॉन्स्टेंट बाई यूजिंग कारप्लस इक्वेशन जो डाई एंगल्स होते हैं ना डाई एंगल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल जो डाईड्रल एंगल जो होते हैं ना कारप्लस इक्वेशन के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाई हेड्रल एंगल का मतलब क्या होता है कि तीन बोंड के बीच का जो एंगल बनता है ना उसको हम बोलते हैं क्या डाई हेड्रल एंगल ठीक है तो उसको बोलते हैं हम डाई हेड्रल एंगल अब कारप्लस इक्वेशन है तो इसके अंदर जो इक्वेशन यूज होगी तो पहली जो इक्वेशन होगी वो है यहाँ पे जे इज इक्वल टू एट पॉइंट फाइव को स्क्वायर थीटा माइनस जीरो पॉइंट टू एट एक तो इक्वेशन यूज होगी ये वाली जिसके अंदर हमारा जो थीटा है वो वेरी करेगा कहाँ से जीरो से लेके नाइन्टी डिग्री तक जीरो से नाइन्टी डिग्री तक एक हम जे की वैल्यू जो है वो यूज़ करेंगे नाइन पॉइंट फाइव को स्क्वेयर थीटा से लेके जीरो पॉइंट टू एट तक इसके अंदर जो थीटा की वैल्यू है वो लाई करेगी नाइन्टी डिग्री से वन डिग्री तक इनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं यहाँ से जे की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं अब कब हम नाइन्टी वैल्यू यूज़ करेंगे कब हम एट वन यूज़ करेंगे वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि उस क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है उसका एंगल कितना है ठीक है उसका एंगल कितना है इससे पहले यहाँ पे एक ग्राफ आता है प्लस इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं किस किसके बीच में एक तो हम कपलिंग कांस्टेंट के बीच में प्लॉट करते हैं जे वैल्यू के बीच में और थीटा वैल्यू के बीच में ठीक है जे वैल्यू और थीटा वैल्यू के बीच में जो है हम ये ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा मान लो थीटा इस वाली पोजीशन के ऊपर जो थीटा है वो ज़ीरो है इस वाली पोजीशन के ऊपर क्या है वन एटी डिग्री का एंगल है ठीक है बीच में क्या होगा यहाँ पे मैंने मान लिया नाइन्टी डिग्री है थीटा जो है वो क्या है नाइन्टी डिग्री इधर मेरी इधर मैंने जे की वैल्यूज़ कंसिडर कर ली यहाँ पे तो जे की वैल्यू यहाँ है एट से इलेवन हर्ट्स होंगी और यहाँ पर जो जे की वैल्यूज़ होंगी इस वाली साइड में जो जे की वैल्यू वेरी करेगी वो नाइन टू ट्वेल्व इधर जे की वैल्यू नौ से बारह होगी वन एटी की तरफ और जब हम थिट्टा की तरफ जाएंगे यानी कि ये रेंज होगी कि जब हम यहाँ पे कोस थीटा के अंदर जब वैल्यूज पुट करेंगे तो वो इस तरफ आएंगी या फिर इस तरफ आएंगी अगर वन की साइड आई तो नौ से बारह की रेंज में आएंगी और अगर इस वाली साइड आई तो आठ से ग्यारह की रेंज के अंदर वो लाई करेंगी ठीक है इस तरीके से क्या होगा यहाँ पे इसका जो है ग्राफ प्लॉट होता है कारप्लस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्लॉट होता है तो अब हम ना इसको एक एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं और उस एग्ज़ाम्पल की हेल्प से हम क्या करेंगे इसको स्टडी करेंगे उस एग्ज़ाम्पल की हेल्प से क्या करेंगे हम इसको स्टडी करेंगे एक बार फिर से देख लो इसके अंदर क्या किया है कार्प्लस इक्वेशन जो थी कार्प्लस इक्वेशन का जनरेशन कहाँ से हुआ कपलिंग कॉन्स्टेंट से हुआ कपलिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है दो स्पाइक के बीच का डिफरेंस होता है ठीक है कपलिंग कांस्टेंट दो तरीके का होता है एक शॉर्ट रेंज कपलिंग होती है एक लॉन्ग रेंज कपलिंग होती है शॉर्ट रेंज कपलिंग के अंदर कंसेप्ट आएगा कारप्लस इक्वेशन का और लॉन्ग रेंज कपलिंग के अंदर कंसेप्ट आएगा मैग्नेटिक इक्विवेलेंस का कार्प्लस इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं हम कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं लेकिन सिर्फ उन्हीं मोलिक्यूल्स या फिर उन्हीं उन्हीं कंपाउंड्स के अंदर करते हैं जहाँ पे रोटेशन क्या होता है रेस्ट वो क्या करते हैं रोटेट नहीं करते जैसे यहाँ पे एस पी टू हाइब्रेडाइज कार्बन हो गया ठीक है इसका रोटेशन क्या है रेस्ट्रिक्टेड है डबल बोंड है साइक्लिक कंपाउंड्स का रोटेशन भी क्या है रेस्ट्रिक्टेड होता है और जो कपलिंग कॉन्स्टेंट होता है मेनली किसके साथ होता है डाई हेड्रल एंगल्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाई हेड्रल एंगल क्या होते हैं तीन बोंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है तीन डाई हेड्रल एंगल क्या होता है तीन बोन्ड के बीच का एंगल होता है अब जो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज़ करते हैं तो एक तो इक्वेशन एट पॉइंट फाइव को स्क्वायर थीटा माइनस जीरो पॉइंट टू एट की यूज़ करते हैं जहाँ पे थीटा जीरो से नाइन्टी के बीच में लाई करेगा एक जे की वैल्यू ये होगी जहाँ पे थीटा नाइन्टी से वन एटी के बीच में होगा उसके बाद हम ये कारप्लस इक्वेशन का हमारे पास एक ग्राफ प्लॉट करते हैं ठीक है अब ना हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि जो है कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो जैसे मैंने ये एग्जांपल कंसिडर कर लिया है यहाँ पे इस तरीके का मैंने कोई एग्जांपल सेट किया है यहाँ पे ठीक है एक इसके ऊपर हाइड्रोजन इस वाली पोजीशन पे है एक हाइड्रोजन इस वाली पोजीशन पे तो इन दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल होगा दैट इज़ वन एटी डिग्री अगर हमें इसका एंगल इस तरीके से प्रोडक्ट नहीं करना आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे कह सकते हैं जैसे मेरे पास ये नेचर है ठीक है अगर इन दोनों के बीच का एंगल सिक्सटी डिग्री है तो इस वाले के बीच में अगर मैं यहाँ पे डोटेड लाइन कर दूँ तो ये एंगल कितने का हो जाएगा सिक्सटी डिग्री का हो जाएगा सिमिलर तरीके से अगर अगर मैं ये कर दूँ कि आ, इधर वाले वाई का नेचर ऐसे रखा इधर वाले वाई का नेचर यहाँ ये जो दोनों प्रोटोन हैं इनके बीच में क्या होगा कुछ एंगल होगा वन एटी का होगा तो अगर मैं इसको इस तरीके से ले लूँ ये हाइड्रोजन यहाँ और ये हाइड्रोजन यहाँ तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया वन एट्टी और ये वाले भी क्या है कुछ इस तरीके के हैं तो यानी इसका एंगल कितना हो गया वन वन एट्टी तो हम क्या करेंगे अब एंगल 180 है तो हम कौन सी वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे इस 180 एट्टी वाली यानी 9.5 पॉइंट वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो क्या है theta, 9.5 पॉइंट फाइव इंटू में कोस स्क्वायर थीटा यानी कि 95 फाइव इंटू में कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 180 ठीक है और कोस 180 क्या होता है माइनस वन और माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा? 1 आ जाएगा वन आ जाएगा तो फॉर्मूले में हम रखेंगे नाइन पॉइंट फाइव को थीटा की जगह वन रख दिया माइनस का ज़ीरो पॉइंट टू एट जे इज़ इक्वल टू तो इसकी जो जे की वैल्यू आएगी ये किसके करस्पोंडिंग आएगी ये नाइन के करस्पोंड आएगी यानी कि इसकी जो रेंज आएगी वो किस की तरफ आई है आठ से बारह की आठ से आठ से दस हर्ड्स की तरफ मतलब आठ से दस हर्ट्स के बीच में आई है या फिर हम बोल सकते हैं नौ से बारह हर्ट्स की नौ तो ज़्यादा हो गया तो आठ से ग्यारह हर्ट्स की तरफ जो है इसकी जो है कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आई है तो ये होता है कार प्लस इक्वेशन कार प्लस इक्वेशन के अंदर सिर्फ ये है कि इस पर शॉर्ट नोट ही आएगा अगर क्वेश्चन इस पर आया तो फोर मार्क्स के अंदर एट मार्क्स के अंदर इतना सफिशेंट होगा कि सबसे पहले बता देंगे कपलिंग कॉन्स्टेंट से आता है कपलिंग कॉन्स्टेंट दो स्पाइक का डिफरेंस होता है दो तरीके का होता है एक के अंदर कारप्लस इक्वेशन का इफेक्ट आता है एक के अंदर मैग्नेटिक इक्विवेलेंस का आता है कारप्लस इक्वेशन के अंदर हम कपलिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कपलिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे वहाँ पर जो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड किसके अंदर होगा या तो एस पी टू हाइब्रिड कार्बन के अंदर होगा या वो फिर किसी साइक्लिक कंपाउंड के अंदर होगा ठीक है इसके अंदर डाईहाइड्रल एंगल होता है डाईहाइड्रल एंगल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाईहाइड्रल जो एंगल होता है उसका मतलब होता है कि वो तीन बोंड के बीच का एंगल को हम डाईहाइड्रल एंगल बोलते हैं यहाँ पे जो इक्वेशनस का यूज़ करते हैं वो दो इक्वेशन ये हैं पहली वाली यूज होगी जब थीटा की वैल्यू जीरो टू नाइन्टी होगी और सेकेंड इक्वेशन यूज़ होगी जब जो एंगल बनेगा वो नाइन्टी टू वन एटी का बनेगा जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का आता है जहाँ पे इस इधर वाली साइड है ना जो हम जे वैल्यू आठ से ग्यारह की होती है और इधर कपलिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू नौ से बारह होती है फिर एक हमने क्या किया हमने ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर किया इस वाले एग्जाम्पल कंसिडर में दोनों जो हाइड्रोजन थे वो वन डिग्री के थे दैट्स वाई हमने कौन सी वाली इक्वेशन यूज की ये वन एटी वाली इक्वेशन यूज की तो हमने को स्क्र वन एटी कोस वन एटी कितना होता है माइनस वन और उसका स्क्वायर है तो माइनस वन का स्क्वायर क्या तो वो क्या हो गया यहाँ पे प्लस वन हो गया उसको जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो नाइन के अप्रोक्स आता है यानी कि किस रेंज में लाई कर रहा है वो आठ से ग्यारह वाली रेंज के अंदर लाई करता है तो इस तरीके से जो है हम जो है कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं तो मेन तो यही है कार्पलस इक्वेशन के अंदर कि हम यहाँ क्या करते हैं कपलिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं सो so, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट में थैंक यू